Bersatu Murtabak. दलित मरीजों को बचाओ, सरकार होश में आओ। ये सब दलितों की बस की है, सरकार होश में आओ। ठंडा में हम तो लोग तो मरेंगे ही, तो उससे बढ़िया है कि सरकार पहले हम लोग को मुआवजा दे। हम लोग कचरा कर मर जाएंगे, घर में रहकर दबा कर मर जाएंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, यही पर रहेंगे। हमारे कहने का है सरकार से हमको ये मांग है कि एक तरफ सरकार के आप इस पंचायत के मुखिया जी हैं जी। और ये जो पोखरा के किनारे जो बसे लोग हैं, लगभग यहाँ लोग बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा घर है। हाँ ये। और सभी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास नोटिस आया हुआ है कि 19 तारीख को घर टूटने का डेट आ जाता है। अरे हम अपने तरफ से यही प्रयास किए हैं कि सभी लोग मेरे पास गया, हम सीओ के पास लेके गए। सीओ साहब से कहे कि भाई घर तो टूटना है, हाईकोर्ट के आदेशों का तो पालन करना है, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसका जमीन का व्यवस्था कीजिए, आप पहले जमीन दीजिए। कोर्ट के ऑर्डर में भी यह दिया गया है कि जिसके पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, उसको पहले कब्जा दिलवाना है, जमीन देना है, पर्चा देना है, उसके बाद घर को तोड़ना है। सीओ साहब आश्वासन दिए कि ठीक है, हम बहुत जल्दी इनको जमीन देंगे। एक बार नहीं, 3 दिन मर गए हैं हम। इस मैटर में हम माननीय मंत्री से ही बात किए हैं, से ही बढ़ता हुआ कहे कि नहीं, आदेश कोर्ट का है, कोर्ट के आदेशों को फॉलो करना है, लेकिन ये भी आदेश है जिसके पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, उसको जमीन देना है, उसके बाद तोड़ना है। मतलब आप लोगों का प्रयास जारी है? जारी है, एकदम जारी है। कितना घर टूटने का नोटिस हुआ है? नोटिस समथिंग यहाँ तो 15-20 आदमी का नोटिस है, लेकिन 50 घर का क्या है कि 50 घर टूटेगा, सीओ से बढ़ता है मुझे हुआ है। अब आगे सीओ कितना नोटिस दिए हैं, किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, इस बात को हम नहीं बता पाए। आज घर टूटने से लोग बेघर हो जा रहे हैं, होने वाले घर तोड़ने से पहले सीओ साहब को जमीन देना होगा, और देने के बाद ही घर तोड़ना होगा। अगर नहीं ऐसा होता है तो क्या ऐसा एकदम होगा? कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। टूटना तो ऑर्डर है ना? हाँ, तोड़ना है, बना देना भी ऑर्डर है, देना भी ऑर्डर है, केवल तोड़ना ही ऑर्डर नहीं है, जिसके पास नहीं उसको देना है पहले, उसके बाद तोड़ना है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि सीओ साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा, उससे पहले आप लोग अपने घर तोड़ लीजिए, नहीं तो 20,000 फाइन लगेगा। सीओ साहब इस बात को बोले थे कि घर पे बुलडोजर चलेगा, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का अवहेलना तो कोई नहीं करेगा, हम लोग भी नहीं करेंगे, कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जिसके पास जगह नहीं है पहले उसको जगह देना है, सीओ साहब जगह दें, उसके बाद उसको तोड़ा। कोर्ट का नियम भी है, उसमें कोर्ट में का ऑर्डर भी है। तो यहाँ के लोग चैन खो गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि गरीब लोग हैं, जिसके पास जगह नहीं होता है, असहाय है, पोखरा के भिंडा पर सभी लोग बसा हुआ था, इसके पहले इन लोगों के पास नोटिस आया था, नोटिस में कुछ गणमान्य लोगों ने कह दिया कि भाई आप लोग घर नहीं टूटेगा, नहीं हटेगा, ये लोग एकदम निश्चिंत होकर अपना बिल्डिंग बना लिया। आज टूटने के कगार पे है, और उस टाइम ये लोग सजग होता, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया होता, तो आज यह नौबत नहीं आता। लेकिन रहा चीज की संघर्ष जारी है, इन लोगों को जगह मिलेगा, उसके बाद घर टूटेगा। अभी आप यहाँ पे जहाँ अतिक्रमण होने वाला है, यहाँ पे दूसरा बार आपने आए, और यहाँ पे लोगों के द्वारा क्या बताया जा रहा है, और किस किस पदाधिकारी से आपकी बातें हुई, और क्या क्या आश्वासन है? देखिए हम दूसरा बार यहाँ पर आए, हमको लोग सूचना फिर दिए 19 तारीख को घर टूटने का, और यहाँ जिन लोग का घर टूटना है वो बिल्कुल भूमिहीन है, उन लोगों को जमीन नहीं है घर बताने के लिए। तो इन लोगों का कहना है कि पहले हम लोग को जमीन मिल जाए, घर बन जाए हम लोग का, उसके बाद घर तोड़ा जाए, कोई बात नहीं है। और इसी के लिए हम भी लड़ रहे हैं कि नहीं, अभी तो हाई कोर्ट का आदेश है, तो इसका सम्मान तो हम भी कर रहे हैं, सभी किसी को करना पड़ेगा, लेकिन जो बिल्कुल भूमिहीन है उन लोग को तो जमीन मिलना चाहिए, उन लोग को घर बनना चाहिए। इस कड़ाके की मैंने सर्दी में अगर इन लोग का घर तोड़ा जाता है, लोग इनके साथ क्या होगा, कहाँ रहेंगे लोग? तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भले हम लोग अपना जान दे देंगे, अगर कल अगर सरकार के तरफ से इस पर रोक नहीं लग रहा है, फिलहाल हम लोग कोई व्यवस्था नहीं हो रही, तो हम लोग घर टूटने के लिए आएगा तो हम लोग अपना यहाँ पर जान दे देंगे, सो जाएंगे बुलडोजर के सामने, सो जाएंगे, अपना जान दे देंगे, क्योंकि हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग घर टूट जाएगा तो जाएंगे कहाँ, तो उससे बढ़िया है कि मर जाएंगे। तो हमारा भी ये सरकार से यही मांग है, खास सीओ साहब से भी मेरा यही आग्रह है, आप लोग के माध्यम से भी ये सूचना मिले उन लोग को कि ठीक है ये सरकारी ज़मीन है, इस पर लोग घर बनवाएं तो उन लोग का घर तोड़ा जाए, लेकिन उसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जो भूमिहीन है उनको पहले ज़मीन आवंटन करके उनको घर बनवाया जाए, फिर उस ज़मीन को खाली कराया जाए। यही यहाँ के लोग भी चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए।
हमने खा का मर जाए सन हिदी थी बाल बच्चा छः छः महीने का तीन तीन महीने का दो दो महीने का हमने बाल बच्चा का गोदी में हे ठंडा का मौसम हमने कहाँ लगा जाए सन जाड़ के मौसम बा इंदिरा आवास राशन कार्ड इकाई दौलत बच्चा लेके कहाँ जाइए या तो सरकार उन लोग जोहर दे दे डायनामाइट के गोले से लोग उड़ा दे बम से या फिर उन लोग का कहना इन लोग का है या तो घर में उड़ा रहे सब लोग बिलक बिलक बोले दस मिनट चलना देती सब्जी ना देती सरकारी घर का है बना क्यों नहीं करते सरकारी घर रहे तो कहाँ है क्या पास गया कि नहीं गया ताकि उसमें नियम है ठीक है फटा रहे इन लोग का कोई अलग से कोई रखवाइए जो सरकारी गवर्नमेंट का आदेश होता है इन लोग को दिलवाइए और उसके बाद घर तोड़ने का आदेश दीजिए ताकि कल ही दिनांक 19/12/2022 को घर तोड़ने का आदेश मिला है। यहाँ का जो डॉक्टर साहब है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ है।